जीवन की कल्पना हम सबकी होनी चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर बने, सुखकर बने, कल्याण का हेतु बने। जब जिंदगी में मुसीबत आती है, अगर दो चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं तो तुम मुसीबत से निकल जाते हो। तकलीफें आई, एक चीज़ तुम्हारा बैंक बैलेंस। मुसीबत आ गई जिंदगी में, तकलीफ आ गई, अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है तो बहुत कुछ तुम ठीक कर सकते हो, सोचते हैं ऐसा। और इसलिए बैंक बैलेंस बनाने में भी हम जिंदगी लगाते हैं। और दूसरा, तुम्हारी जिंदगी के बैलेंस में अगर दुआएं हैं, दुआएं कमाई हैं तुमने, जैसे दौलत कमाई जाती है इसी तरह से दुआएं भी कमाई जाती हैं। कितने बार ऐसा होता है कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस नहीं है लेकिन जिंदगी में दुआएं बहुत कमाई हैं तुमने, तो तुम्हारी जिंदगी के सारे काम निकल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, कोई ना कोई मदद करने के लिए तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। पैसा नहीं है तुम्हारे पास लेकिन लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ आ खड़े होते हैं और तुम्हारी मुसीबत की घड़ी निकल जाती है। गौर करके देखो, क्या तुमने जिंदगी में दुआएं कमाई? एक चिंतन और करना, तुम्हारे घर में जो धन आ रहा है वो दुआओं से आ रहा है या दर्द से आ रहा है? नोट करना, आज इतना धन कमाने के बाद भी इंसान के पास सुकून क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन नहीं ढूंढा हमने कि घर में जो धन आ रहा है वो दुआओं से आ रहा है या दर्द से आ रहा है? अगर दुआओं से आ रहा है तो परिवार सुखी होना शुरू हो जाएगा। अगर घर में धन दर्द से आ रहा है तो घर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीमारी, दुख, तकलीफें, परेशानी। और आज सबसे ज़्यादा धनवान इंसान बहुत दुखी है। सोचने की बात है, क्योंकि जो तुम्हारे घर में धन आ रहा है उससे तुम्हारे घर में क्या आ रहा है? धन से क्या आ रहा है बोलो? अन्न। धन से क्या आया? अन्न। और अन्न से क्या बना? मन। अन्न तुमने खाया तो उसका प्रभाव किस पर गया? जैसा खाए बोलो वैसा हो जाए। अब देख लो, कोई दोषी नहीं है, दोषी कौन है? मन तुम्हारा कैसा बन रहा है उसके पीछे तुम्हारा धन काम कर रहा है, उस धन के पीछे दर्द और दुआएं काम कर रही हैं। अभी जो ये कोरोना काल था, दर्द मिटाने वालों ने ही दर्द दे डाला। जगह जगह की कहानियां सुन रहे हैं कि जिन्होंने दर्द मिटाना था, दर्द कौन मिटाता है? डॉक्टर। और डॉक्टरों ने तो दोनों हाथों से लूट लिया, कंगाल भी बना दिया, दर्द भी दे दिया और बंदा भी किसी काम का जीवित बचा भी नहीं। कैसा आतंक फैल गया था, एक बीमारी का आतंक, ऊपर से जिनको लोगों ने बचाने वाला बनाया उन्होंने ही इतना भयंकर रूप था। लेकिन याद रखना, जो इस तरह से दर्द दे गए वो कहीं गया नहीं है, उनके पास है। रोए हैं इंसान बहुत, एक अपनों को खोने का और दूसरा कंगाल होने का। कंगाल हुए और अपनों को भी खो दिया,
ये दर्द, इंसान एक समय खुश हो जाता है, भर गया मेरा बैंक बैलेंस इतना आ गया, लेकिन देखो जिंदगी कितनी छोटी सी है, इतना दर्द लेकर कैसे जाओगे, कैसे जियोगे। सुकून की जिंदगी आज इंसान तलाश करता है, तलाश करने से भी सुकून नहीं मिलता। सुकून कहाँ है? तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे क्रियाकलापों में है। धन से अन्न आया, अन्न से मन बना, और मन से, मन का इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? इस तन पे, शरीर। चार तरह की एनर्जी चल रही है, एक धन की एनर्जी और एक अन्न की, मन की और तन की। ये चार एनर्जी, किसी समय आप अपने धन को सात्विक बनाने के लिए ही ये प्रवचन सभाएं होती हैं, संतों का समागम होता है, कि तुम्हें पता चले। परमात्मा ने तो पूरी इकोनॉमिक्स लाके दुनिया के सामने रखी, लेकिन हम उसको कितना फॉलो करते हैं। प्रभु ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम कमाओ नहीं, धन ना कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ साथ तुम विवेक रखो, उसकी तह तक जाओ कि जो तुम्हारे पास आ रहा है उसमें दुआएं हैं या फिर दर्द है। तुमने माल बेचा, नकली भी, एक्सपायरी, बड़े खुश हो गए बेचकर, दूसरा बुद्धू बन गया, बेवकूफ बन गया, लेकिन ये नहीं पता कि वो सारी एक्सपायरी की एनर्जी तुम अपने घर में लेकर आ गए। वो जाकर देखेगा, रोएगा, तुम्हें बद्दुआ देगा, और वो बद्दुआ कहाँ जाएगी? वो दर्द तुमने नकली चीज असली बनाकर बेच दी, मिलावट करके बेच दी। जहां एक श्रावक के व्रतों की महिमा आती है, वहां प्रभु ने बताया कि एक सद्ग्रस्त को, एक श्रावक को कैसा व्यापार करना है, किस तरह से व्यापार करना है, किन चीजों का व्यापार करना है जिसमें दर्द ना आए, दर्द की एनर्जी ना आए, जिसमें बददुआएं ना आए। ऐसा व्यापार, कोई तुमने सच्चा अच्छा व्यापार कर रहे हो, तुम किसी को चीज दे रहे हो अच्छी, और तुम्हारी महिमा चारों तरफ फैलनी शुरू हो गई। अगर सही चीज लेनी है तो फलां दुकान पर फलां व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हारी महिमा चारों तरफ फैल गई, क्योंकि फूल में अगर सुगंध होती है, खुशबू होती है, तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, फूल को बताना नहीं पड़ता कि खुशबू है मेरे पास। इंसान को अच्छाई बताने नहीं पड़ती, अच्छाई अपने आप फैलती है, और वहाँ से चलती हैं दुआएं कि उसने, फलां व्यक्ति ने उसकी दुकान पर सच्ची, पहले दुकानें चलती थी सुच्ची दुकान वाले, कहीं पर शायद मलेरकोटला कहीं पर था सुच्ची दुकान वाले, यानी सच्चा अच्छा सौदा जहाँ पर मिलता है वो सुच्ची दुकान, जहाँ पर कोई भी किसी तरह की दगा नहीं, धोखा नहीं, कोई किसी को दर्द नहीं। तो ऐसा अगर धन तुम्हारे घर में आता है दुआओं का, वो व्यक्ति दुआएं दे रहा है तुम्हें, इतनी अच्छी चीज और प्राइस भी एकदम ठीक है, ए प्रभु उसका लाखों का व्यापार हो, उसका काम बढ़ता चला जाए, उसका जीवन सुखी रहे, ये दुआएं कितना काम करती हैं। ऐसी दुआओं का सौदा आज करके चले जाना, थोड़ा सा सीख कर चले जाना कि जो भी काम करो उसके साथ दुआएं जुड़ जाएं। किसी को अच्छी चीज दो, एक बार को बैंक बैलेंस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक में बैलेंस बहुत है, एक भी बंदा बीमारी में पास खड़ा होने वाला नहीं है, फिर क्या होगा? एक भी व्यक्ति तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई एक रोटी खिलाने वाला नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत है लेकिन कोई मददगार नहीं है, क्या फायदा उस बैंक बैलेंस का? लेकिन तुम्हारी आत्मा के बैलेंस में, बैंक में बहुत बैलेंस है दुआओं का। बैंक बैलेंस ना होने के बाद भी 10 लोग तुम्हारे पास खड़े हैं तुम्हारी मदद करे, चिंता मत करो, नाश्ता मैं लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, भोजन मेरी तरफ से है, इतना सारा काफिला तुम्हारे साथ खड़ा है, और वो तुम्हारा दर्द का समय दुआओं के साथ हंस हंस के कट गया। कुछ ऐसा कमाना
कमानी दोनों चीज़ पड़ती हैं। कमाए बिना अगर दर्द मिल रहा है, ये भी तुमने ही कमाया है। अगर सुकून मिल रहा है, ये कमाई भी तुमने ही की है। अब एक बात कहती हूँ, किसी तरह हम अपने अन्न को सात्विक, ये दर्द कैसे मिटे? अन्न जब धन सात्विक हो, अन्न सात्विक हो और मन हमारा सात्विक हो। सात्विक कैसे? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं सात्विक चीज़ों की। सात्विक किसको कहते हैं? सात्विक किसको कहते हैं पता है? हाँ, किसको? कुछ लोग सात्विक अन्न उसको कहते हैं जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं, दाल रोटी है, एक सब्जी बनी हुई है, ये सात्विक। इसको सात्विक अन्न नहीं कहते। सात्विक क्या है? जिसके पीछे दुआएं हैं और जो बहुत प्यारी स्थिति में, प्यारी यानी ब्लेसिंग वाली स्थिति में जो कमाया गया है वो धन सात्विक है। जो बहुत प्यारी स्थिति में, ये यहाँ पर एक शिविर रखेंगे हम रसोई घर का, उसमें मैं आपको ये पूरी साधना सिखाऊंगी कि किस तरह की साधना रसोई घर से चलती है, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मुश्किलें टल सकती हैं, एक रसोई घर की साधना संभव हो जाए। बहुत प्यारा शिविर होगा। थोड़ा सा प्रयास करके हम डे निश्चित कर लेते हैं कि किस दिन ये 2 घंटे का शिविर होगा, दोपहर को इस शिविर को करेंगे। तो उस समय से बहुत सारी संभावनाएं शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी की। आपकी रसोई मंदिर बन जाएगी, आपकी रसोई जहाँ से संथारे की साधना चले, आपकी रसोई घर से सारे संशय मिट जाएंगे। और वहाँ एक विधि बताई जाएगी कि सात्विक अन्न कैसे बनाया जाए। आज थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ मैं सात्विक मन की। क्या आपके पास सात्विक मन है? मेरी बात सबको समझ आ रही? ज़्यादा डीप तो नहीं है, ज़्यादा गहराई तो नहीं है? कुछ लोग सभा में ऐसे भी बैठे होते हैं जिनको कहानी सुनना पसंद होता है, है ना? थोड़ी सी जिंदगी की बात बताना चाहती हूँ जो आपके साथ में जाए। मन सात्विक कैसे हो? सात्विक मन करना चाहते हो? हाँ, सभी चाहते हैं सात्विक मन करना। मन को सात्विक करने के लिए सुबह का आधा एक घंटा आपको परमात्मा की भक्ति करनी होगी, तब आपका मन सात्विक बन जाएगा। मन का भोजन, मन का भोजन, अगर सात्विक भोजन मन को मिलना शुरू हो जाए तो ये मन तो इतना अच्छा है, फिर पूरा दिन एनर्जी से भरा होगा अगर सुबह इसको सात्विक भोजन मिल जाए। आज हम अपने शरीर को भोजन देने के लिए फिर भी अवेयर हैं, क्योंकि बीमार होते हैं, तो शरीर को हम जो भोजन देते हैं उसमें थोड़ा सा हम जागरूक हो जाते हैं। लेकिन मन का एक है फिजिकल डाइट और एक है इमोशनल डाइट। हमारी इमोशनल डाइट क्या है? फिजिकल डाइट का हम ध्यान रख लेते हैं, डायबिटीज है तो ये नहीं खाना, बीपी है तो ये नहीं खाना, वेट कम करना है तो ये नहीं खाना, लेकिन हम अपनी इमोशनल डाइट का कितना ख्याल रखते हैं? आज सबसे ज़्यादा एक बीमारी फैली हुई है, ओवर थिंकिंग। समझ गए? अत्यधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, ये बीमारी चल रही है। युवाओं में तो बहुत ज्यादा चल रही है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा चल रही है, बच्चों के अंदर अत्यधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, ये बीमारी कहाँ से आई है पता है आपको? ओवर इंफॉर्मेशंस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सूचनाएं आपके पास पहुंच रही हैं। किससे? मीडिया, सोशल मीडिया, इसके द्वारा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही हैं, वीडियोस, मैसेजेस और क्या क्या, ये पोस्ट वो पोस्ट, ये मैसेज वो मैसेज, दिन भर इतना ज़्यादा फ्लूड चल रहा है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ये ओवर इन्फॉर्मेशंस। और आप सब क्या कर रहे हैं?
आप कैसा सीरियल देख रहे हैं, आप कैसी मूवी देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, इससे आपकी डेस्टिनी बनती चली जा रही है। खाली बैठे हैं, टाइम पास करना है, ये वीडियो आया, मोबाइल खोला, टाइम पास तो करना ही है, टाइम पास तो करना ही है, ये मैसेज आया, फेसबुक देखते हो, क्या क्या देखते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लेकिन उस पर देखते क्या हैं? याद रखना, जैसा देखोगे वैसा बनोगे, जैसा सुनोगे वैसा बनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे, ये तुम्हारी अपने आप तुम्हारा भाग्य बन रहा है, अपने आप, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे सुनने से और तुम्हारे पढ़ने से। टाइम पास नहीं हो रहा है वो, आप कौन सी क्वालिटी का सीरियल देखते हैं, वो सीरियल। बच्चे आए हुए हैं, बच्चों आप जब खाना खाते हो बेटा तो टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, नहीं? कितने अच्छे बच्चे हैं, कोई भी नहीं देखता होगा, मैंने पहले जिक्र किया था, शायद सारे सुधर गए होंगे या अभी भी नहीं सुधरे। न्यूज़ चैनल चालू करके खाना कौन खाता है? खाने वाले हैं, अभी भी खाते हो आप? मैंने एक बार सभा में बोला था, छोड़ दो इसे, उस गंदगी को, पहले ही अन्न में कोई ताकत नहीं है, लोगों ने छीन ली है सब, इंजेक्टेड है सारा, उस इंजेक्शन के जहर के साथ साथ उसको अमृत, उसको प्रसाद तो क्या बनाना है, और जहर डाल रहे हो अपने अंदर। न्यूज़ में क्या आ रहा है? अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई भगवान की प्रार्थना हो, जो आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जिसके साथ आप खाना खा रहे हैं, भगवान की प्रार्थना चलती होगी उस न्यूज़ में, कोई भगवान की प्रार्थना जिसे देखकर आप भोजन, हाँ ना तो करो, क्या है? वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, भोजन के साथ थोड़ा सा सुधरो, थोड़ा सा अपने आप को शांत बनाओ, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, एक भोजन तो शांति के साथ करो। आपके पास जो कुछ आ रहा है, इन्होंने तो हाथ खड़ा करके बता दिया, आप लोग भी बता दो, थोड़ा सा सुधर के जाओ, संत तुम्हें सुधारने आते हैं। टीवी चैनल देखते हुए बहनें सीरियल देखते हुए खाना खाती होंगी, कौन कौन खाती है खाना सीरियल देखते हुए, मोबाइल चला के, बात करते हुए, और सीरियल भी कैसे, एक की कितनी कितनी शादियां, अपनी डेस्टिनी पर डाल क्या रहे हो, एक व्यक्ति की, एक लड़की की कितनी शादियां, ऐसा ही कुछ होता है ये सीरियल जो देखते हैं आप, उससे रिश्ता टूटा, उससे जुड़ा, उससे अफेयर, उसका ये, उसका वो, ये बकवास। इस बकवास को देखने का टाइम है आपके पास, लेकिन संतों की सभाओं में आने का समय, फिर जीवन को बकवास बनाना है तो बकवास को देखते रहो, जिंदगी बकवास हो जाएगी। सुनने की, सुधरने की जरूरत है, आवश्यकता है। जैसा तुम देख रहे हो, टाइम पास करने के लिए तुम मोबाइल देख रहे हो, वो टाइम तुम्हें पास कर रहा है, तुम्हें, तुम टाइम को पास नहीं कर सकते। वक्त इंसान से कहता है, मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा, जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा, जो वक्त पे ना संभले उसे मिट्टी में मिला दूंगा। वक्त इंसान को कहता है, मैं वक्त हूँ, वक्त की कदर करो, वक्त तुम्हें संवार देगा, कोई नूर बना देगा। तुमने वक्त को अगर मिट्टी में कर दिया तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये वक्त है, समय की सुई कह रही है। विषय तो बहुत बड़ा था कि किस तरह से रोकें इस ओवर थिंकिंग को, अत्यधिक सोचने की बीमारी को कैसे रोका जाए, कल इस विषय को हो सका तो पूरा करूँगी।